guys, welcome to Rocha Vlogs. I am Chakrapani Sharma. I have been recommended 3 times by the Services Selection Board of Allahabad, Bangalore and Bhopal. I have cleared my CDS for IMA as well as OT in my very first attempt. So yaar, sab log pooch rahe the ki strategy bata do, kya strategy aapne follow kari thi. So yaar, I am not a teacher, but haan, main strategy bata deta hoon ki maine kya follow kiya tha aur aapko best sources bata dunga ki kahan se kya kar sakte ho. Because yaar, ek teacher hota hai, wo padhata hai, but main source bata sakta hoon kahan se acha source mil sakta hai, acha content mil sakta hai. So yaar, wo follow karna. एंड सबसे पहले हमने टेलीग्राम पे अपने ग्रुप बनाया एक रिटर्न का भी. अपना SSB का ग्रुप पहले से ही है, रोचा व्लॉग्स SSB कम्युनिटी, पर अभी हम रिटर्न के ग्रुप के साथ भी आ गए हैं. हम इंट्रोड्यूस किया है रोचा व्लॉग्स रिटर्न प्रिपरेशन कम्युनिटी. इसमें यार जो भी रिटर्न एक्सपर्ट्स हैं, जिन्होंने मैक्सिमम टाइम्स रिटर्न क्लियर किया है, वो सब इस ग्रुप में आपको मिलेंगे. आपको टिप्स वगैरह देने के लिए मिलेंगे और इसके कोई चार्जेस नहीं है. सो यार, यू गाइज कैन चेक इट आउट एंड इसमें ऐड हो सकते हो. प्लस में इसमें नोट्स एंड जो भी लाइक इंपॉर्टेंट मटेरियल रिलेटेड टू NDA एग्जाम, CDS एग्जाम एंड FCAT सब है, वो आपको इसमें दिख जाएगा. यार शुरू करते हैं आज की वीडियो CDS प्रिपरेशन पे. सबसे पहले एग्जाम पैटर्न पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं. फॉर OTA यू हैव टू क्लियर इंग्लिश प्लस GS, जो कि दोनों के मिला के अगर इसकी कट ऑफ रहती है 100 and 102 के अराउंड. सो एंड अगर आपको IMA एंड AFA एंड INA भी निकालना है तो आपको मैथ्स भी क्वालिफाई करना पड़ता है. एंड सेक्शनल कट ऑफ इनकी 20 मार्क्स रहती है, दैट इज 20%. सो इंग्लिश में टोटल 120 क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज ऑफ 100 मार्क्स. सेम फॉर GS एंड मैथमेटिक्स में 100 क्वेश्चंस आते हैं. सो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अभी बात करते हैं अपन इंग्लिश के सिलेबस के बारे में. बिकॉज देखो यार, मेनली हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वोकैबुलरी. इसमें वोकैब में आपको idioms, phrases, synonyms, antonyms ये सब चीजें आपको मिलेंगी. सेकेंड वुड बी द ग्रामेटिकल पार्ट. ग्रामर पार्ट में आपको एरर सोल्व करने होंगे, ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, क्लोज टेस्ट होता है, ये सब आपका वोकैब इसमें सॉरी ग्रामेटिकल पार्ट में आता है. एंड थर्ड वुड बी द अंडरस्टैंडिंग पार्ट. अंडरस्टैंडिंग पार्ट में आपके हो गए जैसे कॉम्प्रिहेंशन हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, ये सब आपके अंडरस्टैंडिंग पार्ट में आते हैं. सो यार, ये है मेनली इसका पार्ट. और देखो मैं पिछले साल का ट्रेंड दिखा देता हूँ. ये ट्रेंड रहा था हर एक चैप्टर से कुछ ना कुछ क्वेश्चन, 10-10 क्वेश्चंस तो एंटोनियम सिनोनियम ये सब आते रहते हैं. पर OTA क्लियर करने के लिए ना इंग्लिश में अच्छे मार्क्स लाना बहुत जरूरी है. एंड उसके लिए हमें इंग्लिश में अच्छे मार्क्स कैसे आएंगे, हमें ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करना पड़ेगा. जितने अटेम्प्ट बढ़ेंगे उतने ज्यादा मार्क्स आएंगे. ये मैंने एक्सपीरियंस किया है. जब मैं मॉक टेस्ट वगैरह देता था तो जब भी कम अटेम्प्ट किए, चाहे मैं गलत कम कर रहा हूँ, फिर भी मार्क्स थोड़े कम रहते हैं. पर जब अटेम्प्ट ज्यादा कर रहे हो ना आप, लाइक कैलकुलेटेड गैस ले रहे हो, तो आपके सही भी ज्यादा हो रहे हैं और आपके मार्क्स भी ज्यादा बन रहे हैं. सो यार, अटेम्प्ट ज्यादा करने पहले तो ये माइंड में लेके चलना है. अब सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले तो कोई भी दो पेपर उठा लो, लाइक 2020 का लगा लो फॉर एग्जांपल, 2020 के आप दोनों पेपर लो. एज CDS एग्जाम इज अप्रोचिंग, आई रिसेंटली केम अक्रॉस बुक्स ऑफ दिशा पब्लिकेशंस. वन इज कॉन्कर OTA इन 60 डेज, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर OTA. एंड सेकेंड वन कंटेन्स मैथमेटिक्स पार्ट ऑल्सो. So these books are made on latest pattern by the UPSC and each chapter contains well illustrated theory and some study tips also. These books contain previous year questions from 2020 to 2023 with the correct explanation as well as the answer key. You will get 100 plus exercise questions for each chapter and the explanation is given, and this is a must have product for you guys because it will help you in preparation as well. And the best thing about these books are there is a QR code given in this book. You can scan the QR code and you can get 100 plus hours of lectures that can help you immensely in studying for your exam. So yaar, if you guys are interested in buying these books, and I think you should buy these books because it will help you in preparation a lot. So the link for the same will be given in the description. And yaar, un papers ko aapko solve karke dekhna hai. Like English ka paper utha hai, usko solve karke dekho. फिर सोल्व करने के बाद जो आपके बेस्ट पार्ट है कि यार यहाँ पे आपने सही किया है, तो उनको एक जगह लिखो. और जो आपके वर्स्ट परफॉर्मिंग पार्ट है कि आप यहाँ पे लाइक फॉर एग्जांपल सिनोनियम्स एंटोनियम्स में आप सही नहीं कर पाए, तो उनको एक जगह लिख लो, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी वोकैब कमजोर है या क्या कमजोर है. और कम से कम दो पेपर लगाने, तभी थोड़ा अच्छा एनालिसिस मिलेगा. यही करना है, पेपर लगा के अपने वीक पॉइंट्स एंड बेस्ट पॉइंट्स पता करने हैं. उसके बाद हम बात करते हैं कहाँ से क्या पढ़ सकते हो. तो यार, सबसे पहले वोकेबुलरी के बारे में बात कर लेते हैं, कहाँ से आप कर सकते हो. वोकैब के लिए सबसे मेन तो देखो idiom phrases वगैरह ना, नीतू सिंह मैम की एक बुक है, तो मैंने भी उनसे एक बार पढ़ा है उनकी बुक से. तो यार, अगर वो बुक आप कर लोगे, उस बुक से बहुत कुछ कवर हो जाता है. एंड सिनोनियम एंटोनियम के लिए भी उनमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, वो सब पढ़ो. एंड सबसे मेन बात क्या है, न्यूज़पेपर हो गया, बुक्स हो गया, ठीक है, इंग्लिश न्यूज देखते रहा करो,
जो जो कि आपको SSB में भी हेल्प कर देगा बाद में। सीरीज जो इंग्लिश वेब सीरीज होती हैं वो देख सकते हो, ठीक है। तो नए नए वर्ड्स को पता करते रहा करो, जैसे ही कोई वर्ड दिखा जिसका मतलब नहीं पता एक बार देख लिया। और इसमें क्या होता है यार, UPSC थोड़े रिपीटेटिव वर्ड भी देता है। लाइक जो 2015 में कोई पेपर आया है उसके ऑप्शंस में जो वर्ड दिए गए हैं 2016 के पेपर में, उन्हीं ऑप्शंस को एज अ क्वेश्चन बना के दे देता है। तो यो UPSC की खासियत होती है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर आपको 2015 या 16 के बाद के सारे एक बार इंग्लिश के देख लेना, क्योंकि ज्यादा देर नहीं लगती यार इंग्लिश के ये वोकैब वगैरह देखने में, आपकी वोकैब अच्छे से हो सकती है। सेकेंडली आपको एलिमिनेट करना सीखना है, एलिमिनेशन कैसे लगाना है। मैं कुछ क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको कि यार एलिमिनेशन कैसे हो सकता है। सो यार देखो, पहला क्वेश्चन है परसिक्यूट। सो इसमें देखो जो तीनों ऑप्शन है, हैरेस, एनोय, मोलेस्ट, ये क्वाइट तीनों एक दूसरे के सिनोनियम ही है, ठीक है। तीनों एक जैसे एक जैसे ऑप्शन है तीनों। तो जो अलग है, एनकरेज बचा, तो वो आपका आंसर होगा, वो आपका एंटोनियम हो जाएगा। तो ऐसे आपको देखना है कि कैसे मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ, ठीक है। UPSC का पेपर देख लो, कुछ जैसे डिनाउंस है तो क्रिटिसाइज, सेंसर, कमेंट, ये तीनों एक तरह के हैं, ठीक है। क्रिटिसाइज, सेंसर, कमेंट एक दूसरे के सिनोनियम टाइप ही हैं, तो इसमें अप्रिशिएट आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे करके यार UPSC के भी बहुत सारे पेपर हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको याद रखनी है, जैसे प्रीपोजिशन फिल कर रहे हो, जैसे क्वेश्चन है ही प्रिजर्व डैश डिफिकल्टीज, तो इसमें सीखना है कि आपको डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं यूज होता है, ऑफ हमेशा इन स्पाइट ऑफ होता है। तो इसमें इन स्पाइट ऑफ आ जाएगा, ही प्रिजर्व इन स्पाइट ऑफ डिफिकल्टीज। तो ये सब आपको ध्यान रखना है कि यार कैसे आपको अटेम्प्ट करने हैं, कैसे आपको एलिमिनेशन लगाना है। तो ऐसे करके आपका जो वोकैब का पार्ट है वो हो जाएगा अच्छा। रही बात ग्रामर की, उसके लिए आप कोई भी एक टीचर को फॉलो कर सकते हो, कोई वीडियोस। ग्रामर में क्या होता है यार कि अगर आपको लाइक पार्ट ऑफ स्पीच नहीं आ रहा है, तो CDS जर्नी की एक दो वीडियोज है, वो मैं लाइक लिंक दे दूंगा, या तो टेलीग्राम चैनल पे। तो जो वो दोनों वीडियो दी गई ना, उनसे अच्छे से हो जाता है। मेरे भी पार्ट ऑफ स्पीच बहुत कमजोर था, बट मैंने वो दोनों वीडियो देखी एंड मेरा अभी पार्ट ऑफ स्पीच भी अच्छा हो गया था। तो जो जो पार्ट में आपको दिक्कत है ना, वही पार्ट आपको सर्च करके देख लेना है, और इसी से आपका लाइक इजीली भी ऐसे कवर हो जाएगा सिलेबस पूरा। रही बात अंडरस्टैंडिंग वाले, तो वो सब प्रैक्टिस से होगा। आप 2016 या 17 के बाद के सारे मॉक टेस्ट लगा लो, जितने भी प्रीवियस ईयर दिए गए हैं उनको एज अ मॉक टेस्ट लगाओ। प्रीवियस ईयर या मॉक टेस्ट लगाने का सबसे अच्छा सोर्स मेरे को तो टेस्ट बुक लगता है। ये प्रमोशन नहीं है कोई, बट यार मैं खुद भी करता था, और टेक्स्ट बुक से अच्छे से लाइक उनके सॉल्यूशंस भी दे देते हैं, एक्सप्लेनेशन। तो यार आप वहां से कर सकते हो जिससे आपको फायदा होगा। इससे आपका इंग्लिश का स्कोर लाइक 100 तो अटेम्प्ट मार रहे हैं यार, ये सोच के जाना है, 100 अटेम्प्ट करने मिनिमम, और आपका इंग्लिश का स्कोर 70+ इसमें आ जाएगा, आराम से आएगा। मेरे खुद के 78 आए थे फर्स्ट टाइम जब मैंने रिटर्न दिया था CDS का इंग्लिश में। तो दीज थिंग्स यू कैन डू, और जो भी अगर कुछ और सोर्सेस होंगे देन आई विल इन्फॉर्म यू इन द टेलीग्राम ग्रुप। सो वहां पे जरूर ऐड हो जाना, रिटर्न वाले में भी। और सो यार अब बात कर लेते हैं जनरल स्टडीज के बारे में। जो मैंने किया था वह मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जनरल स्टडीज में यार देखो, मेनली आपके आती है साइंस, 30 क्वेश्चन साइंस के आएंगे, 10 10 10 ईच। मान लो आप 10 क्वेश्चन फिजिक्स के, 10 केमिस्ट्री, 10 बायोलॉजी। तो साइंस बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, ना ही बायो भी नहीं छोड़नी है। सोर्सेज में आगे बताता हूँ, 30 क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। 15 to 20 questions आपके मिनिमम ज्योग्राफी के आते ही हैं, 15 question आप हिस्ट्री के मान लो। इसके अलावा 15 to 20 questions करंट अफेयर एंड कुछ लाइक पॉलिटी एंड इकोनॉमी मिला के भी 15 to 20 बन जाते हैं। एंड 10 से 20 questions आप मिसलिनियस मान लो। सो टोटल क्वेश्चन हो गए 120 questions, इनके आपको मार्क्स मिलेंगे 100 question। तो GS में थोड़ा जुडिशियली खेलना है, लाइक यार अटेम्प्ट ज्यादा भी नहीं करने हैं अगर, और यार गलत हुए तो सही नहीं होगा, बिकॉज 0.83 marks का तो एक क्वेश्चन ही है, तो ज्यादा मार्क्स मिलते नहीं है सही करने पे, और गलत करे हुए तो कट भी जाएंगे। तो इसलिए आपको थोड़ा अच्छे से अटेम्प्ट करने हैं। अब सोर्सेज के बारे में बात कर लेते हैं। साइंस का सोर्स, सबसे मेन सोर्स और बेस्ट सोर्स, और जहां से मैंने किया था वो है आपका NCERT। 9th और 10th क्लास की NCERT में पूरा साइंस आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। मैं कुछ एग्जाम्पल्स भी डाल देता हूँ जो क्वेश्चन आए हैं पेपरों में, और ये मेरे नोट्स बना रखे हैं मैंने। जो साइंस का है ना, पूरा लाइन टू लाइन आती है। आपको 2 बार NCERT की रीडिंग करनी है, 9th और 10th की। एक बार मेरे कहने से करके देखना, ठीक है। एक बार रीडिंग करनी है, उसमें आपको मेन मेन चीजें हाईलाइट कर लेनी है, जो जो आपको सही लगा पढ़ने में, या फिर जो लगा कि हाँ यार ये पेपर में आ सकता है वो हाईलाइट करना है। सेकेंड टाइम जब आप पढ़ोगे, रीडिंग करोगे, लाइक सबसे पहले उठाना बायोलॉजी, जैसे 9th और 10th की दोनों क्लासेस की बायोलॉजी के चैप्टर्स कर लिए, 3 3 चैप्टर है। आप जब सेकंड रीडिंग लोगे तो आपको नोट्स बनाने, क्रिस्प नोट्स बनाने जितना हो सके, जिससे जो आपको समझ आए, और किसी को समझ आए छोड़ो, सिर्फ आपको समझ आए, ऐसे क्रिस्प नोट बनाने हैं। सेकंड आप ये कर सकते हो, क्रिस्प नोट बनाने के बाद उनको आप रिवाइज करो, जितना ज्यादा रिविजन करोगे, लाइक पर वीक एक रिविजन कर लिया करो। सेम फॉर फिजिक्स, सेम फॉर केमिस्ट्री, तीनों के नोट्स बनाना खुद से 2 बार रीडिंग लेके। और लाइक आई कैन अश्योर यार 25 questions तो इजिली हो जाएंगे 30 में से, बहुत इजिली।
प्लस में जो सीडीएस जर्नी वगैरह की ये आती हैं अपनी जो चैनल्स करवाते हैं मैराथन वगैरह, ये सब आप कर सकते हो थोड़ा रिवीजन के लिए या फिर एक्स्ट्रा चीजें पता चलें। और इसके बाद प्रीवियस ईयर तो लगाना ही है, वो तो मस्ट है यार। पिछले 2018 के बाद के सारे प्रीवियस ईयर कर लेना जितने भी साइंस के हो सके, बिकॉज वहीं से पेपर बनना है, वहीं से सारा सारी चीजें आनी है और रिपीट भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो ये सब ध्यान देना और अच्छे से करना थोड़ा, लाइक जब रीड रीड कर रहे हो आप चीजें साइंस की तो उन्हें ध्यान रखना। ठीक है, और रिवीजन कर सको ऐसे अच्छे नोट्स भी बनाना। और ज्योग्राफी व्हाट यू कैन डू इज यार, 11th और 12th की एनसीईआरटी होती है, वो आपको अच्छे से करनी है। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन डायरेक्ट एकदम डायरेक्ट आएंगे लाइन टू लाइन। थोड़ा बहुत यहाँ वहां से हो जाता है पर वो भी एनसीईआरटी से ही कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। प्लस में सीडीएस जर्नी की जो भी सर करवाते हैं फिजिकल ज्योग्राफी ऐसे करके 2-3 वो डालते हैं अपनी मैराथन, तो वो सब कर लेना यार जिससे आपको अच्छा ज्ञान मिल जाएगा। बिकॉज पेपर्स की बहुत सारी चीजें एनसीईआरटी में नहीं होती हैं, कुछ चीजें जो कि आपको वीडियो वगैरह से या फिर जो लेटेस्ट पैटर्न आ रहा है उससे आपको वो वीडियोस वगैरह से समझ आ जाएगा। तो वीडियोस देख लेना, ज्योग्राफी वहां से कवर करनी है। रही बात पॉलिटी, पॉलिटी भी आप सीडीएस जर्नी की ही या फिर किसी भी एक जो टीचर आपको जिसका समझ आता है उससे आप कर सकते हो। मैं मेरा सोर्स मैंने वहीं से देखा है थोड़ा बहुत, बट जिस भी टीचर का आपको समझ आता है उसी टीचर की मैराथन वगैरह कर लेना। बिकॉज पॉलिटी का इतना पार्ट रहा नहीं है यार आजकल, पॉलिटी के तो 4-5 क्वेश्चन 6-7 क्वेश्चन इतने ही मैक्सिमम आ रहे हैं जो कि बहुत ईजी है। या फिर पाथफाइंडर वगैरह से ही पढ़ सकते हो या फिर दिशा पब्लिकेशन की बुक है उनसे आप अच्छे से पढ़ सकते हो। तो यार देखो हिस्ट्री के लिए या फिर इन सब के लिए मेरी एक्सपर्टीज है नहीं हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के लिए, बट हाँ करंट अफेयर का मैं बता देता हूँ। इनसाइट एसएसबी, डिफेंस मेनिया है और सीडीएस जर्नी, ये तीनों अपने वो करवाते हैं मैराथन्स वगैरह, लाइक मैगजीन डालते हैं हर महीने की, उनसे करंट अफेयर पढ़ लेना यार। और 3 महीने पहले ही करंट अफेयर जरूर पढ़ना, लाइक अप्रैल में एग्जाम है तो जून जनवरी और दिसंबर एंड के सारे करके जाना, वहीं से क्वेश्चन बनने हैं। लाइक 20 आ रहे हैं तो 12-13 क्वेश्चन वहीं से आएंगे। सो गाइज अभी बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स के बारे में। सो मैथ्स के लिए यार सबसे पहले दो तरह के बंदे होते हैं, एक होता है जिन्होंने लाइक पहले मैथ्स पढ़ा हुआ है जो मैथ बैकग्राउंड से हैं, एंड दूसरा होता है नॉन मैथ बैकग्राउंड से। सो सबसे पहले जो मैथ बैकग्राउंड से हैं जिन्होंने मैथ पढ़ा हुआ है, वो है थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए। सबसे पहले आपकी ट्रिग्नोमेट्री सही होगी ही बिकॉज पहले पढ़ी है, या नहीं है तो एक बार फिर से पढ़ लो, एवरेजली 10 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के आते ही हैं, यहाँ से आप थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा। दूसरी बात मेंसुरेशन जो कि ईजी टू टेक है, मेंसुरेशन के फॉर्मूले लिखे हुए हैं 9th की NCERT में, वहां से देख लेना या फिर कहीं गूगल वगैरह से देखना और फिर क्वेश्चंस लगा के देखना, बिकॉज बहुत इजी आते हैं। और पता है क्या करना है, हर एक जो लाइक कोन है या फिर स्क्वायर है या फिर ऐसे पेंटागोन होते हैं ये सब के आप है ना एक एक क्वेश्चन हर एक के लगा के देख लेना। ठीक है, लाइक एक एक दो दो क्वेश्चन, जिससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा और कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं आपको ये पता चल जाएगा। ठीक है, मेंसुरेशन के यहाँ से हो सकता है। तीसरी बात सोर्स, ये जो मेन है जो जहाँ से मैंने पढ़ा था वो है रणधीर सर, टैप टू क्रैक यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे रणधीर सर पढ़ाते हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ट्रस्ट में उन्होंने लाइक यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस डाल रखी हैं, प्रीवियस ईयर की भी डाल रखी हैं और प्लस में उन्होंने लाइक खुद से पढ़ा भी रखा है। तो यार वो सब वीडियोज एक बार देखना तुम्हें अगर सही लगे तो देख लेना यार, उनका बहुत अच्छा कोर्स उन्होंने डाल रखा है यूट्यूब पे भी ना, तो उन्होंने अच्छे से सब चीजें कवर करवा रखी हैं। बिकॉज मैथ के लिए यार एक स्पेसिफिक कोर्स तो चूज करना ही पड़ेगा, बिकॉज कोई टीचर ही है जो पढ़ा सकता है अच्छे से। उसके बाद आती है ज्योमेट्री, ज्योमेट्री थोड़ी हार्ड होती है, उसको आप एक टीचर से पढ़ो। ठीक है, उसके बाद बचा यार अर्थमेटिक वगैरह, अर्थमेटिक तो थोड़ा बहुत आता है बिकॉज 10-15 क्वेश्चन आते हैं मेनली एडवांस मैथ, और वो वही आता है एडवांस मैथ से, तो आपको मेन पकड़ बनानी है एडवांस मैथ पे जिससे आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पाओ। तो मैथ्स बैकग्राउंड वाले ये कर सकते हैं, और नॉन मैथ बैकग्राउंड वाले क्या कर सकते हैं यार, तुम्हें तो पूरा ही बिकॉज कुछ आता ही नहीं है तो पूरा एक टीचर से पढ़ना ही पड़ेगा। तो एक कोई भी स्पेसिफिक टीचर देखो, जैसे आदित्य रंजन सर है, वो बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, कोई भी यूट्यूब की उनकी प्लेलिस्ट सर्च कर लो, आदित्य रंजन सर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, बहुत बेसिक से पढ़ाते हैं और बहुत अच्छा पढ़ाएंगे। जिसको कुछ नहीं आता है वो वहां से पढ़ सकता है जो नॉन मैथ बैकग्राउंड का है, फिर जिसका मैथ थोड़ा कमजोर है बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। या फिर राकेश यादव देख सकते हो या गगन प्रताप है, 2-3 जो टीचर है एसएससी का भी पढ़ाते हैं, वहां से आप मैथ करो और प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे, 2-2, 3-3 दिन में एक चैप्टर कवर करोगे थोड़ा, क्योंकि अभी टाइम कम है और लिमिटेड करना पड़ेगा कि एडवांस में आप थोड़ा ज्योमेट्री कर लिया, मेंसुरेशन कर लिया, ट्रिग्नोमेट्री कर लिया, क्वाड्रेटिक कर लिया, ये सब एलजेब्रा कुछ टॉपिक्स, और अगर वो करना चाह रहे हो टाइम एंड वर्क वगैरह कर लिया, 2-3 क्वेश्चन वहां से बन जाएंगे। तो ये आपको चूज ही होना पड़ेगा, यहाँ पे ऐसे करना पड़ेगा जिससे आपका मैथ्स थोड़ा अच्छा हो जाएगा। तो यार मैथ्स के लिए भी यही था, अपन ने तीनों चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लिया है, मेरे सोर्सेज डिस्कस कर लिए हैं, और भी अगर कुछ होगा जो मैंने वीडियो में रह गया होगा मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, तो वहाँ पे यार मेक श्योर कि वहाँ पे आप ऐड हो जाओ जिससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले। दिस इज ऑल फॉर द वीडियो, अभी ये वीडियो देख लेना, अच्छी लगे तो दोस्तों में शेयर कर देना,
और यार अभी एक गिव अवे भी ला रहे हैं लाइक एनडीए की बुक्स का एंड सीडीएस की बुक्स का भी। तो यार जल्दी ही अगर आपको भी गिव अवे में पार्ट लेना है तो मेरी पिछले वाली वीडियो देख लेना, और सीडीएस की बुक्स भी आई विल गिव अवे लाइक 4 या 5 बुक्स तो आई विल गिव। सो यार इसी एंड पे, इसी नोट पे वीडियो को एंड करते हैं। तो घिसाते रहो, थोड़ा मेहनत करते रहो। जय हिंद।